नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। छोटे दलों को अपने साथ लाने और विरोधियों के खेमे में सेन लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यूपी की सियासत में दलित समुदाय के बीच राजनीति की अलख जगाने वाली बीएसपी आज खत्म होने की कगार पर खड़ी है। 2017 में 19 विधायकों की जीत के साथ विधानसभा पहुंची बहुजन समाज पार्टी के पास अब सिर्फ 7 विधायक ही बचे हैं। पिछले 4.25 साल में मायावती ने 11 विधायकों को पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया। हाल ही में बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर को भी पार्टी से निकाल दिया है। वहीं इस बीच भाजपा में कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही है, और क्या भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी भी आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। बीएसपी से निकाले गए 5 विधायकों ने बीते मंगलवार को जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की तो मायावती का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मायावती ने विधायकों के समाजवादी पार्टी में जाने की खबरों को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और अखिलेश यादव पर जमकर बरसी। फिलहाल बीएसपी से निकाले गए विधायक किस तरफ रुख करते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन सपा अभी इन विधायकों को पार्टी में लेने से कतरा रही है। इन विधायकों के सामने दल बदल कानून भी रोड़ा बना हुआ है। यही वजह है कि सपा विधान परिषद चुनाव से पहले कोई मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहती, इसलिए अगर ये विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थामते भी हैं, तो एमएलसी चुनाव के बाद ही कुछ होने की उम्मीद है। मायावती के कड़े तेवर से हर कोई परिचित है, और यही वजह है कि पिछले 4 साल में मायावती ने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए 4 प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया, लेकिन पार्टी वहीं की वहीं खड़ी नजर आ रही है। या यूं कहें कि जो पकड़ दलितों पर 2017 में थी अब और भी कमजोर हो चुकी है। बाकी ओबीसी नेताओं को निकाले जाने से इनके वोटर्स कहीं न कहीं दूसरी तरफ खिसक सकते हैं। मायावती के 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद भी पिछड़े वर्ग के 2 बड़े नेता बसपा में बने हुए थे। राम अचल राजभर, अति पिछड़ा राजभर समाज से आते हैं, जबकि लालजी वर्मा कुर्मी समाज से हैं। ऐसे में पार्टी से निष्कासन इन नेताओं से कहीं ज्यादा बसपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित बसपा में पहली कतार के सभी प्रमुख पिछड़े नेता या तो बसपा छोड़ चुके हैं या निष्कासित की जा चुके हैं। ऐसे में मायावती ओबीसी समुदाय को कैसे पार्टी में जोड़ेंगी? अब सवाल उठता है कि बसपा से इन विधायकों को निकाले जाने के बाद किसको फायदा होगा और किसे नुकसान? अगर ये सभी विधायक साइकिल पर सवार होते हैं तो कहीं ना कहीं सपा के अंदर भी कलह शुरू हो सकती है। उसका एक कारण ये भी होगा कि ये सभी अपने अपने क्षेत्र से टिकट की दावेदारी करेंगे, जो वहाँ के समाजवादी दिग्गज को शायद मंजूर नहीं होगा। दूसरी तरफ जितने भी विधायक मौजूदा समय में हैं, उनका अपना अलग जनाधार है, क्योंकि 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर में भी अपनी सीट पर जीत का परचम लहरा चुके हैं। ऐसे में टिकट की दावेदारी में पीछे ये भी नहीं रहने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 2017 में करारी शिकस्त का दंश झेलने के बाद अब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे पार्टी में गुटबाजी हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि मझधार में फंसी बीएसपी 2022 के चुनावी महासंग्राम में किन कर्णधारों के बलबूते अपनी सियासी नैया पार करेगी, क्योंकि सामने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जिसकी सोशल इंजीनियरिंग और जमीनी जड़ें काफी मजबूत हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में बीएसपी को अपनी जमीन खुद तलाशनी होगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो उत्तर
प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जिस कदर एक के बाद एक दल बदलने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बागी विधायक बसपा के सपा में शामिल होने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा आज का मुद्दा भी यही है और जानने का विषय भी यही है कि सपा अपने ही प्रतिद्वंदी के खेमे में क्यों सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, यह भी जानना जरूरी हो गया। वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उस तरह से बदलाव होना और किस तरफ कब कौन पलट जाए इसको सुनिश्चित करना भी बहुत बड़ा एक प्रश्न बन जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कब कौन सा फेरबदल बड़ा नजर आ जाए। हालांकि जो आज एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग थलग है, हो सकता है वो चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे को गले लगाने की अगर नौबत आती है तो वो भी होना सुनिश्चित है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बहुत दिलचस्प मोड़ ले लेती है। हालांकि और राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। और राज्यों की बात करें तो कहीं 3 महीने में ये चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अभी से देखने लग गए हैं कि किस तरह से चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों का मंथन, तैयारियां, एक दूसरे पर वार शुरू हो गया है। तो इस पर आज चर्चा करेंगे कि क्यों सपा अपने ही सहयोगी की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, वही क्या भाजपा में नेतृत्व की कमी अब तो जमीनी स्तर पर झलकने लग गई है, नेताओं के बयानों में झलक रही है, ऐसा क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का आगाज करते हैं, हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में शामिल है भाजपा नेता अमित त्रिपाठी, सपा नेता विवेक पांडे, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अरविंद जय तिलक जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले विवेक जी, मैं आप पर ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिनके साथ आपने एक साथ मंच शेयर किया, आज उन्हीं की पार्टी में आप सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? कृति, बहुत जिम्मेदारी के साथ धन्यवाद देता हूं मैं पूरे पैनल को, और आशा करता हूं कि हमारे भाजपा के जो मित्र हैं उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि मुझे बीच में सूचना मिली थी कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था। और देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक चीज बता दूं कीर्ति, मुझे लगता है जो 9 विधायक निलंबित किए गए और जो 2 बर्खास्त किए गए वो कोई राजनीतिक अपरिपक्वता से प्रेरित नहीं है और ना ही उनकी राजनीतिक समझ में कोई कमी है। मुझे लगता है कि ये सारे अपने क्षेत्र के वो विधायक हैं, जो वो जनप्रतिनिधि आप इन्हें कह सकते हैं जो जमीनी स्तर पे जवाबदेही रखते हैं, और मुझे लगता है कि इन्हें कोई बरगला फुसला करके ये बच्चे तो है नहीं कि कोई कहीं भी लेके जाएगा। और रही बात सेंध मारने की, जहां तक ये बात, अब इसका राजनीतिकरण देखिए किया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं समाजवादी पार्टी तो गई नहीं थी किसी को न्योता देने, समाजवादी पार्टी ने केवल एक वक्तव्य दिया था जिसपे कि मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि छोटे दलों के लिए हमारे द्वार खुले हैं, रेड कार्पेट बिछा है, छोटे दलों के साथ हम सहयोग लेकर के या सहयोग देकर इस तरह का आचरण ही है समाजवादी पार्टी का। ये तो मायावती के 5 बैक-टू-बैक जो उन्होंने ट्वीट करे हैं वो बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये आचरण ही है। नहीं नहीं, देखिए एक बात बता दूं आपको, मायावती जी का जो इस समय आचरण है वो ठीक है, वो परेशान होना लाजमी है उनका, क्योंकि देखिए क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति, खास करके जनप्रतिनिधि, किसी के दरबार में जमीन पे बैठ करके हाथ जोड़ करके परेड करने की इच्छा नहीं रखता। हर व्यक्ति केवल ईश्वर के सामने या जिसको भी वो सम्मान देता है या जिसके भी आगे वो निवेदन करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, उसके सामने वो अगर वो ये सब क्रियाकलाप करे तो उसकी शालीनता और उसकी मर्यादा बनी रहती है, आत्मसम्मान बचा रहता है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन ये खबरें आती रहती थी बसपा कैडर के अकॉर्डिंग कि वहां पे तो एक तानाशाही का रवैया चलता है, वहां पे फिर जिलाध्यक्ष जिस तरीके से चंदे के लिए बरगलाते हैं, धमकाते हैं, ये आरोप भी लगे हैं, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने तो पूरा ऑडियो ही वायरल कर दिया था पैसे की लेन देन और उनकी वसूली को लेकर के, तो कभी फंड को लेकर धमकी, कोऑर्डिनेटर से धमकी। तो भाई देखिए, जिस जनप्रतिनिधि ने एक समय गुजार दिया जनता के बीच में, यदि उसे अपना सम्मान बचाना है तो अगर उसने समाजवादी पार्टी का रास्ता स्वयं चुना है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी कहां से जिम्मेदार हो गई कीर्ति? लेकिन मायावती तो कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है ना कि द्वेष और जातिवाद आदि की वो संकीर्ण राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, उन्होंने तो ट्वीट में अपने आरोप लगाया। मैं तो कह रहा हूँ ना, मायावती जी ने आरोप लगाया है, मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर के पिछड़े वर्ग के भाइयों को बरगलाती है, मनुवादी मानसिकता से बाहर ला करके और उन्हीं सवर्णों को लेकर के राजनीतिक मानसिकता से अपनी सरकार बनाने के साथ सत्तारूढ़ होने का, पदस्थ होने का प्रयास करती है। तो बताइए राजनीति कौन करता है, पिछड़े वर्ग को कौन बरगला रहा है, कौन धोखा देता है, आप ही बता दीजिए।
लेकिन अपने ही सहयोगियों के वहां पर सेन लगाना क्या सही है विवेक जी? आपको क्या लगता है, जिनके साथ आप एक बार मंच शेयर करते थे, उन्हीं के? आप मुझे बस नाम बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता सेन लगाने गया था, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं ना, आरोप नौ विधायकों से आप ही लोग की बात हो रही है ना? बता रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, आप इनके क्षेत्र में जाकर के इनकी जमीनी हकीकत पता करेंगे तो ये जवाबदेही तय कर इनकी है वहां पे। और जिस तरीके से बसपा कोविड की महामारी में पूरी तरह से खामोश रही, इतने बड़े बड़े मुद्दों पे, राष्ट्रीय या राजकीय मुद्दों पे खामोश रही, वो मौन स्वीकृति उनका, उनकी मजबूरी भी है भाई। इन विधायकों की कोई फाइल नहीं है, क्योंकि ईडी या किसी और एजेंसी के पास इन विधायकों की कोई फाइल नहीं है, तो ये विधायक निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र हैं अपने दल को किसी भी तरह से निर्धारित करने के लिए, भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए। इनकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि ये जा करके बसपा के अनुसार या भाजपा के अनुसार ही क्रियाकलाप में लीन हो जाए। भाई मायावती ने तो एक तरह से इनका राजनीतिक भविष्य ही समाप्त करने का प्रयास किया जी। भाई जनता तो इनके क्षेत्र में जवाब मांग रही थी, कोविड के समय जिस तरह की बदहाली थी, जनता तो अपने विधायकों को ही देखती है। अब भाई देखिए, ये तो विपक्ष का आरोप है, आरोप का क्या, आरोप से हम नहीं रहते, विपक्ष आरोप लगाएगा, और आरोप तो राजनीति का एक हिस्सा होती है। देखिए ठीक है, बिल्कुल आरोप राजनीति का हिस्सा होती है, लेकिन एक जिस तरह के हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रही है कि किस तरह से आप मुझे बता दीजिए। अच्छा चलिए, मैं एक आरोप लगा दे रहा हूँ, मुझे इसी का जवाब आप इस पैनल से ढूंढ के दे दीजिएगा। मायावती जी पिछड़ों की राजनीति करती थी, मनुवादी मानसिकता को समाप्त करने की बात मंच से खड़े होकर के सवर्णों को लेकर करेंगी, उन्हीं सवर्णों के खिलाफ तो इनकी लड़ाई थी, तो राजनीति कौन कर रहा था पिछड़े वर्ग के साथ, या पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को? वही तो कहा जा रहा है, पिछड़ा वर्ग को एक करने के लिए कहीं ना कहीं अब आप भी वहां सेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ सेन लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखे, देखे, मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है, और हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी पार्टी में सेन लगाने की। ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो है इस देश के ऊपर है, हमें कोई किसी भी पार्टी में सेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन नजर तो यही आ रहा है भाई। देखिए अब आप ये कहेंगे, अगर यही सत्तारूढ़ जो जो निष्कासित है, ये अगर कांग्रेस या भाजपा में चले जाएंगे तब आप क्या कहेंगे? अब भाजपा का तो इतिहास रहा है, बिहार की राजनीति देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी इन्होंने प्रयास किया था भरपूर, बंगाल में देख लीजिए, अब तो बंगाल में जो इनकी पार्टी के लोग हैं छोड़ करके वापस टीएमसी में जा रहे हैं। ठीक है विवेक जी, अमित जी मैं आप पर आना चाहूंगी, बसपा और सपा की जो चल रहा है उसको तो दरकिनार करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में जो अंतर विरोध चल रहा है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि नेतृत्व की कमी दिखाई पड़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य के कई बयान हमने ऐसे सुने हैं जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होगा, वहीं जो अध्यक्ष है वो कहते हैं आपके कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, इस तरह का केशव लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहां पर यह है कि देखिए जो केशव जी का बयान आया कि प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होगा बिंकुंग, वो संगठन के अध्यक्ष हैं तो बिंकुंग उनके पे भी होगा, और जब सरकार की बात आएगी तो उसके मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उनके ही चेहरे पे चुनाव होगा। और दूसरी चीज है, तो ये सामने आके क्यों नहीं बोलते केशव जी, डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते? आप, तरह आप, से आप कैमरा लेके जाइएगा, वो डायरेक्ट भी इस चीज को कैमरा लेके बहुत इंटरव्यू ऐसे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का भी बयान आपने देखा होगा, जब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, उन्होंने योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने भी दिल्ली से भी मैसेज दे दिया। देखिए ये जमीनी स्तर पर किस इस तरीके के जो विरोधी हैं, जिनको योगी जी से डर लगता है, वो इस तरीके के रूमर्स फैला रहे थे, और इस तरीके के इसका खंडन हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कर भी दिया कि योगी जी ही चेहरा होंगे। लेकिन आज जो विषय है, जो आपने कहा कि ये विधायक टूट के जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उसी समय लोगों को पता चल गया था। सपा की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन आप पहले हमें ये बताइए कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम डायरेक्टली केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए मैं, मुझे नहीं लगता कि आपने वो बाइट सुनी है, नहीं सुनी है। अभी जब वो आगरा के
सर्किट हाउस में थे उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जो नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसके आधार पर होगा। तो देखिए ये देखिए राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ पर एक को आके कोई बयान दे देगा ऐसा नहीं होता है। और तो जब अभी आपने बोला कि जब हम खुले में आप बोल रहे हैं ये चीज किसी मैंने, योगी आदित्यनाथ मैंने आपसे क्यों नहीं बोल पा रहे। देखिए उन्होंने भी ये चीज जब आगरा के सर्किट हाउस में थे एक पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा जो सरकार चला रहा है मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, आपको वहां पर बैठ को देखना और सुनना चाहिए। जहां तक की बात है भारतीय जनता पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी जो संगठन का काम देखते हैं उनके नेतृत्व में हम वो चुनाव में जाएंगे और 2022 अब ज्यादा दूर नहीं है, आने वाले चुनाव में हम बता देंगे। ज्यादा दूर नहीं अमित जी बिल्कुल, लेकिन ये जो अंतर विरोध चल रहा है इसको भी मानना आपको पड़ेगा। मैं आप पर आऊंगी लेकिन उसके पहले मैं अरविंद जी के पास जाना चाहती हूँ। अरविंद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बसपा के ये 9 विधायक लगातार बागी हुए हैं और छोड़ के गए, 7 विधायकों से अभी समाजवादी पार्टी की बात भी चल रही है, ये क्यों हो रहा है इस स्तर पर और समाजवादी के पास ही क्यों बसपा के ये तमाम विधायक बात करने जा रहे हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक ये। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी जो नेतृत्व कमी कहीं ना कहीं भाजपा में दिखाई पड़ रही है इसको लेकर आपका क्या कहना है? समझना होगा, एक तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बमुश्किल 8-9 महीने रह गया है, तो स्वाभाविक रूप से जो विधायक हैं मौजूदा हों या जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, वह जो है एक ऐसा मंच ढूंढने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं जिससे उनके जीत सुनिश्चित हो। अब रही बात बसपा की, तो देखिए 37 साल वो लगभग उसकी स्थापना के हो गए, 14 अप्रैल 1985 को स्थापना हुई और आज की तारीख में जो है उसके पास तो 7 विधायक रह गया, 11 विधायक जो है लगभग निष्कासित हो चुके हैं और एक विधायक उपचुनाव में चुनाव हार गया था, तो यह बसपा के लिए बहुत ही कठिन स्थिति है। और जो निष्कासित विधायक हैं अब चूंकि 8 महीने बचे हैं तो चाहेंगे कि कोई ऐसा राजनीतिक दल मिले जिससे वहां पर उनकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि समाजवादी पार्टी से बात को चल रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है और उसके पास जो है ऑलरेडी जो 325 विधायक हैं और जो चुनाव हारे भी हैं वो अभी मैदान में रहेंगे, अभी उसके पास जो है उसके शिविर में जो है अन्य लोगों के लिए बहुत जगह नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से जो है समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसको जो है 2022 का चुनाव जीतने के लिए ऐसे चेहरे चाहिए और उस स्थिति में जो है कहीं ना कहीं जो है बसपा के जो बागी विधायक हैं वो मुफीद होंगे। जी लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी सेंटर स्टेज है बीजेपी के लिए? अभी जिस तरह से बात की जा रही है और दावे किए जा रहे हैं उस पर आपको क्या लगता है? अब देखिए समाजवादी पार्टी की जो बसपा से है तो स्वाभाविक रूप से देखिए उत्तर प्रदेश जो है जातियों का खौलता हुआ कुंड है और हर एक राजनीतिक दल जो है जातियों के कंधे पर सवार होकर के राजनीतिक यात्रा करता है। अब चूंकि आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सोशल इंजीनियरिंग के चलते जो की है उसके चलते आप देखिए जो मुख्य जो कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड वोट था उसमें कहीं ना कहीं जो उसकी काफी जो है हनक बन चुकी है और उसका जो प्रतिनिधित्व आज की तारीख में चाहे केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हो या अपना दल की अनुप्रिया कर रही है, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल जो है कोई बहुत बड़ा तो बचा नहीं है, तो वह चाहती है कि अगर ये जो बागी विधायक है बसपा के उनको साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट में सेधमारी हो सकेगी। लेकिन यहाँ समझना होगा कि राजनीति पलट कर वार भी करती है, आपने देखा कि किस तरह जो है 2019 जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय जो है दलित वोट जो है सपा के शिविर में या उसके उम्मीदवारों के पास नहीं गए, उनके झोली में नहीं गए, लेकिन जो है बसपा जो उसका लाभ उठाने में सफल रही। तो कहीं ना कहीं जो है मायावती सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी को इसलिए टारगेट कर रही है कि कल अगर 2022 में विधानसभा चुनाव अगर मान लीजिए भाजपा जीतती है तो उसके साथ खड़े होने में मदद मिलेगी और समाजवादी पार्टी के साथ जो है क्योंकि बसपा का जो है खुन्नस जो कोई नई नहीं है, आपने देखा कि 2 जून 1995 को स्टेट हाउस कांड हुआ था और किस तरह से उसमें जो मायावती के साथ जो अभद्रता हुई थी तो मायावती को याद भी है और आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी बसपा के बाकी विधायकों को ले रही है तोड़ रही है या अपने पाले में कर रही है तो स्वाभाविक रूप से पुरानी रंजिश है या यह कह सकते हैं कि वोट बैंक दूसरे में सदमारी करने का जो है एक तरीका भी है। कीर्ति जी बिल्कुल अरविंद जी कहीं ना कहीं ये तोड़ने की कवायद इसीलिए है कि अति पिछड़ों को एक साथ करके कहीं ना कहीं मजबूती बनाई जा सके। अमित जी मैं आऊंगी विवेक जी आप पर, लेकिन अमित जी उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने प्रतिद्वंदियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी अपने ही सहयोगियों से भी लड़ना पड़ेगा, दो दो हाथ करने पड़ेंगे क्या उनको? देखिए किसी से कोई दो दो हाथ नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी में देखिए कई तरीके से जब से सरकार चल रही है
आप लोग लगातार मीडिया में चला 200 विधायक नाराज है, 200 धरने पे बैठ गए, 250 बैठ गए, लेकिन आप मुझे बताइए क्या, सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझे भी समय दीजिए ना, आपने विवेक जी को समय दिया था, मुझे भी समय दीजिए। देखिए नहीं तो आपने बताइए, आज विधायक टूट रहे हैं, अगर भाग ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी विधायक तोड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्या आज वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हो गई है? आज जनादेश का अपमान नहीं हो रहा है? देखिए आज मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो ये विधायक वो विधायक है जो निष्कासित है, ये स्वयं पार्टी में रहते हो, इन्होंने पार्टी छोड़ दियो गए हो तो एक विषय दूसरा था, लेकिन जब इनको कहीं जगह नहीं मिल गई है तो आज ये समाजवादी पार्टी का रास्ता ढूंढ गए। और भारतीय जनता पार्टी में सौदेबाजी जमती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा, अगर आपको विचारधारा का आप अपनाते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, वहां सौदेबाजी हो गई है, वहां पर यह है कि आपको क्या दिया जाएगा क्या लिया जाएगा, आज इनके पास कोई विषय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट, कोई लड़ाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बयान जो हमने सुने हैं वो क्या गलत सुने हैं? देखिए बयान आप किस तरीके से लेते, जो बयान आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से सोचते हैं। देखिए भारतीय, मैंने आपसे कहा ना, आप केशव जी का बयान उठा के देखिए, चाहे स्वतंत्र देव जी का, तो हम सवाल कर नहीं रहे। तो आप केशव जी की बात सुनिए, स्वतंत्र देव जी की, तभी तो हम बता रहे हैं आपको। आप तो मैंने भी तो देखा, मैंने भी सुना है, स्वतंत्र देव सिंह ये बोल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसमें कहां समानता है इस बयान में? आपने शायद, आपने आप ही के चैनल पर भी मैंने देखा था, जो रिपोर्ट दिल्ली से आई है उस पर भी मोहन लगा के आप ही के चैनल में चलाया था कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर योगी आदित्यनाथ न रहेंगे। देखिए आप एक नेता को लेकर, आप एक देखिए देखिए सिर्फ ये है, तो केशव प्रसाद मौर्य को ये बोलने में क्या तकलीफ कि हाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, देखिए केंद्र नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बात कही, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या आपके लिए? प्रदेश अध्यक्ष संगठन के सबसे बड़े दायित्व पर हैं, उन्होंने जो बात कही है वो सर्वमान्य है और वही मानी जाएगी। विरोध की बात कर नहीं, अंतर विरोध कोई नहीं है, अंतर विरोध बनाने का काम किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के ही बयान पर हम आगे मोहर लगाएं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उस पर हम, केशव जी ने भी स्पष्ट किया है योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। अब आप उसी चीज को बार बार अगर कहलाना चाहेंगी तो बात वही रहेगी, आप प्रश्न वही रहेंगे, जवाब भी मेरा वही रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि केशव जी ने भी इस चीज को स्पष्ट किया है, आगा सर्किट हाउस में बयान दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गएंगे। के पार्टी में दो स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, बड़ी विकृत लड़ाई आपकी ही पार्टी में चल रही है। अब ये तो आपको तय करना है, आपने तो कहा था योगी आदित्यनाथ जी, नहीं मीडिया में खबरें आई कि 3 राज्य कर दिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया जाएगा, इस तरीके की भी खबरें आई, क्या ये सच्चाई थी? कुछ नहीं था। देखिए स्पष्ट आपको मैं बता दूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर 2022 की तैयारियों की बात है, किसी के आने से भारतीय जनता पार्टी में अगर नाराजगी है विधायकों के अंदर, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं एक भी विधायक हमसे नाराज होकर चला जाता? बीएल संतोष का आना अब केंद्रीय नेतृत्व से, आज तक उत्तर प्रदेश में तो ये हुआ नहीं कि अगर रिपोर्ट कार्ड दिल्ली वाले आकर लेके जाएंगे, देखिए ये पहली बार हुआ है। देखिए विधायकों की बात सुनी जा रही है, विधायकों का अंतर विरोध साफ तौर पर कोरोना के टाइम पे आपने भी देखा होगा जिस तरह से पत्र सामने आए, ये तो छुपी नहीं है ना किसी से। देखिए पत्र सामने आए, उसी को देखते हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा, बड़ा राज्य है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जमीन पर उतर के गांव-गांव जाकर लोगों से पूछा, दवाई मिली, लोगों को व्यवस्थाएं मिली कि नहीं मिली, उसके काम किया है। और विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने एक कमरे में बंद करके सिर्फ ट्विटर पर टूंकिट में कैसे देश को गुमराह किया जाए, कैसे प्रदेश के लोगों को गुमराह किया जाए, इस पर काम किया है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं आपसे, अभी किसके बहुत चेहरे पे अच्छा लड़ा जाएगा चुनाव, मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बयान आएगा केशव प्रसाद मौर्य का? क्यों नहीं आएगा, आया हुआ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आप केशव जी को, केशव जी ने भी ये बात कही, पार्टी पूरी पार्टी का एक अंग राष्ट्रीय प्रवक्ता का सीएम है भैया, वो तो उनका बयान मायने रखेगा ना अमित जी। तो मैंने आपसे कहा तो उन्होंने इस बात को कहा, आप बार बार मेरे मुंह से कुछ और कहेंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। मैं आपके मुंह से नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, तो मैंने चल रहा है, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है अरविंद जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं अलग अलग सामने, अंतर विरोध है कि नहीं भाजपा में? क्या केशव जी ये कबूलेंगे कि हाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? अब बिल्कुल कृत्य जी आप सही कर रहे हैं, किसी भी कीमत चुनाव लड़ा जाए। और देखिए आमतौर पर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है तो वो जो उसका जो हाई कमान होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, वही तय करता है।
और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के चाहे उपचुनाव हुए हों चाहे विधान परिषद के जो उम्मीदवार तय किया गया हो राज्यसभा का वो केंद्रीय हाईकमान ही किया। आपने पिछले दिनों देखा भी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवंडर मचा है और किस तरह से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के काफी चर्चा हुई। यहाँ तक कहा गया कि आरएसएस जो है दो धड़ों में बटा हुआ है, एक मोदी जी के साथ है, एक योगी जी के साथ है, और किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश को यानी योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली के बजाय गुजरात की नजर से देखने का प्रयास किया गया और कहा गया कि योगी जी हावी हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल रहे। जब योगी जी कोविड में स्थिति में जो है कहीं ना कहीं जो लगा कहीं जो लगा किया जो उत्तर प्रदेश सरकार जो जनमानस की कसौटी है उस पर खरा उतरने में विफल रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो उनके प्रतिद्वंदी हैं चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो चाहे और कोई हो तो हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस स्थिति में जो है पार्टी का बंटाधार न हो इसके लिए शीर्ष हाईकमान जो है काफी कुछ पहल करता है और मुझे लगता है कि काफी स्थिति जो है सुधार लिया गया है और जो है अब एक कुल मिलाकर के निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि नहीं जो कुछ करेगा वो सिर्फ हाई कमान ही करेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि केशव प्रसाद किसी भी कीमत पर नहीं कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्हें भी भविष्य की चिंता। जी जी बिल्कुल अमित जी, अब आप कुछ कहेंगे? अब तो ये मैं अकेले नहीं कह रही हूँ। देखिए राजनीति विश्लेषक जी ने भी बिल्कुल यही बात कही, उन्होंने भी ये चीज कही आखिर में कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी गाएंगे। केशव जी की जहां तक बात है, केशव जी मैं फिर कहना चाहता हूँ, केशव जी पार्टी के ही कार्यकर्ता है, डिप्टी सीएम है, वो भी नहीं बिल्कुल जो मानने की बात ही नहीं है। जब अंतःकरण होती तो कहीं भी जाती, जब कुछ है नहीं। आपने बताया कि मुख्यमंत्री हटने जा रहे हैं, कई तरीके की मीडिया में खबरें चली, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं सीधी बात करना, देखिए सूत्रों के हवाले से हमें मिलती है, हम अपने मन से तो ये सूत्रों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने ये खबर कहां से निकाल के लाए। सही होते हैं अमित जी। अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ, विवेक जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बात की थी, मैं उस पर जवाब जरूर देना चाहूंगा। जो आज ये दंगी तो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आज इनके साथ इन्होंने 2019 में जो गठबंधन किया था, दलितों ने इनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए इनका गठबंधन सफल नहीं हुआ था, क्योंकि इनकी सत्ता रहते हुए जितना उत्पीड़न पिछड़ों पे हुआ, अति पिछड़ों पे हुआ, ओबीसीओ पे हुआ, इन्होंने दलितों के घर जगाए, इनके कार्यकर्ताओं ने दलितों के घर जगाए, झोपड़ियां जगाई, उसका खामियाजा है। विवेक जी को भी लेके आते हैं और विवेक जी से हम जाना चाहेंगे, पहले तो आप उत्तर दीजिएगा अमित जी ने जो बातें कही है, साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये कहां से अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि मोदी जी रैली करें आके, मतलब इसके पीछे की थ्योरी क्या है? देखिए कीर्ति, अगर आप मुझसे जवाब चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये इनका आंतरिक जो विषय है भाजपा के अंदर का, हम लोगों के लिए इतना कोई परिपक्व मामला ये हम नहीं समझते कि हमें इस पे बयानबाजी कोई करनी चाहिए। बहरहाल लेकिन योगी जी की कार्यप्रणाली को लेकर के अमित भाई की मजबूरी है कि भाई सत्य सार्थक होता तो ये भी, क्योंकि ये तो स्वयं बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं, इनको मैंने खुद देखा है कोविड काल में, काफी ये जनता के बीच रहे और सेवा की इन्होंने भी, तो मैं ये जानता हूँ कि मोदी योगी जी की जो कार्यप्रणाली है वो कई विधायकों की राजनीतिक भविष्य को समाप्त कर देगी। इनके विधायकों का सीधा संवाद इतना ज्यादा सबल था योगी जी के साथ कि उनको अपने ही लिखे पत्रों को वायरल करवाना पड़ा, मतलब 7 या 9 विधायकों की संख्या, इनके मंत्री भी शामिल थे उसमें इनके, और उसके बाद सोचिए एक विधायक का लिखा पत्र सीधे मुख्यमंत्री को गोपनीय श्रेणी में आता है लेकिन उसको वायरल कर दिया जाता है। इसका अर्थ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई मायनों में देखिए, उन्होंने ये पत्र इसलिए वायरल नहीं किया, उनको योगी जी को ये बात बतानी, वो चाहते तो संवाद कर सकते थे, कार्यालय चले जाते, मुख्यमंत्री से मिल लेते या फोन कर लेते, लेकिन उनको जनता के बीच संदेश देना था कि हम आपके लिए प्रयासरत हैं। मोदी लहर में इनके कई ऐसे विधायक जो मोदी लहर में निकल गए, मीडिया ने दिखाया था, हम भी देख रहे थे कि मोदी लहर की वजह से कई लोग विधायक बन गए या कई लोग की सीटें निकल गई, तो भाई इनकी पार्टी में तो ये शाश्वत सत्य है, सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी को छोड़ के कोई काम ही नहीं करता, अब मोदी जी बेचारे कहां कहां काम कर रहे। अरे विवेक जी आप इसकी थ्योरी स्पष्ट कीजिए कि योगी जी अब नहीं चाहते मोदी जी को कि वो आके यहां पे चुनाव में प्रचार करेंगे। नहीं देखिए मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात बता दूं, ये भाजपा का है वैसे आंतरिक मामला है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है ना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसमें भी आ रहा हूँ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, अगर योगी जी से संबंध रहा होता तो शर्मा जी आज उत्तर प्रदेश के लिए विवादित विषय नहीं होते, ठीक है, और योगी जी के सापेक्ष अधिकारियों को ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करने के लिए मोदी जी को शर्मा जी को पूर्वांचल का पूरा बेल्ट हैंडओवर नहीं करना पड़ता कि आप जाइए और उसको क्रियान्वित कीजिए, और जब शर्मा जी ने काम करना शुरू किया तब योगी जी ने हवाई यात्राएं शुरू की, जब उनको लगा कि अब मेरे हाथ से जो क्रेडिट है वो निकल करके कहीं और जा रहा है दूसरे पल्ले। ये जो अमित जी इतनी देर से ये बातें बता रहे हैं, मैं इस पे बोलना नहीं चाह रहा था, ये इनका आंतरिक विषय था,
इसमें क्या होता है कि पार्टी के प्रवक्ताओं को काफी कभी कभी थोड़ा सा धन संकट में पड़ना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हमारे मित्र भी हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, ये उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक उथल पुथल है आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब से लेकर के हर मीडिया चैनल पे इसी पे छह छह दिन चार चार दिन डिबेट चल रही है, लगातार डिबेट हो रही है, बड़े बड़े अनुभवी बुद्धिजीवी बैठ करके इस पे अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। अब आप बोल दीजिए कि वो बुद्धिजीवी भी भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने की बात ही नहीं है विवेक जी, मैंने तो थ्योरी पर पूछा था, आपने तो कहीं और कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ योगी जी से नहीं समझ रहा है, और योगी जी की कार्यप्रणाली जो है, देखिए कृति एक बात हमेशा याद रखिएगा, योगी जी से नहीं समझ रहा, लेकिन मोदी जी का चुनाव नहीं करेंगे आके, इससे क्या मेरी बात सुन लीजिए, आंखों के आंसू सूख जाते हैं लेकिन आदमी उन आंसुओं के कारण को कभी नहीं भूलता, और इस सरकार ने जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में सेकंड है, मैं फिर कह दूं दूसरी लहर में जिस तरीके से इन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया असंवेदनशीलता के साथ जवाब ले लेते इस प्रदेश की जनता को लेकर के, ये इस देश प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, आपसे लोग मदद मांग रहे थे, आप उनपे FIR करवा रहे थे, आप धमकियां दे रहे थे कार्रवाई करने की, आप राजा किसके, आप मुख्यमंत्री किसके लिए बने थे, जनता के लिए बने थे ना। ठीक है बोलिए, और ये दूसरी लहर की बात कर रहा हूँ, मैं पहली लहर की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी लहर में जिस तरह का असंवेदनशील रवैया देखिए, सबसे पहले तो आज अच्छी बात है, विवेक भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने एक अच्छी चीज मानी, क्योंकि इनके अखिलेश यादव नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि चुनाव से पहले कि मोदी लहर तो है ही नहीं कुछ, आज ये मान गए कि मोदी लहर थी। दूसरी देखिए सुनिए सुनिए आप विवेक भाई सुनिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, दूसरी चीज इन्होंने अभी तक अखिलेश यादव आरोप लगाते थे कि मोदी जी काम नहीं करते हैं, विवेक जी ने भी यही कहा कि मोदी जी तो काम करते हैं, इनके लोग काम नहीं करते, मोदी जी कहाँ कहाँ काम करें, मतलब मोदी जी काम करते हैं ऐसा ये मानते हैं। देखिए नहीं नहीं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ना, आप सुन लीजिए, आप योगी जी पे आइए, तो मैं योगी जी पे आ रहा हूँ, विवेक जी आप क्यों इतना परेशान है, आप अखिलेश यादव पे रहिए ना, आपका योगी जी के लिए परेशान है, अखिलेश यादव ने क्या किया, भाई आप कोरोना की बात करें, अखिलेश यादव मुझे अखिलेश यादव की एक फोटो मुझे दिखाई कि उन्होंने कुछ किया हो प्रदेश की जनता के लिए, मुझे बताइए ना, आप लोगों ने सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट किया है, आपने केवल देश को गुमराह किया, उत्तर प्रदेश के लोगों की मौत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और लोग इतना अखिलेश यादव में आस्था रखते हैं कि लोग गुमराह होते गए। अरे सुनिए, वो तो जनता आपको बताएगी, सुनिए अरे विवेक जी, 2014 से क्या हासिल हुआ समाजवादी पार्टी का, प्रदेश की जनता बता रही है आपको, लेकिन दिक्कत ये है, नहीं नहीं मैंने बीच में नहीं बोला था, नहीं तो इनको आप चुप कराइए, मैंने नहीं बोला था, नहीं नहीं ये मैंने आपसे सवाल कर लिया, आप जवाब देने की बारी अमित जी की, मैं आपको समय दूंगी। जी बोलिए अमित जी। देखिए ये बार बार अखिलेश यादव योगी जी पे कंपैरिजन करते हैं, मैं इनसे बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव विरासत में पाई हुई मुख्यमंत्री बने हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी अपने दम पर 5 बार सांसद बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शासन चलाया हुआ, आपके जो जिन्होंने परिवार चलाया है आज वो मुख्यमंत्री बैठे बने थे, इसलिए ये सपा का हाल हुआ है। 2012 में अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव हुआ, उसके बाद से आपने देखा समाजवादी पार्टी की क्या हस्त होती चली गई, एक चुनाव ही अपने दम पर नहीं जीत पाए, इन्होंने 2017 में गठबंधन किया, फिर 2019 में गठबंधन किया, आप ये योगी जी की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी 2017 में चुनाव में गए, उसके बाद 2019 में गए, क्या हुआ बताइए आप, देखिए देखिए विवेक भाई आपकी आदत, आप अगर बीच में बोलेंगे इस तरीके से नहीं होगा। हम 2022 के चुनावों को अगर मद्देनजर रखते हुए बात करें तो हमें ज्यादा सही लगेगा, नहीं तो ठीक है, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ किसने क्या करा क्या नहीं किया, मुझे सब पता है, लेकिन अमित जी आप ये स्पष्ट करिए ना कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्यों इतना अंतर विरोध क्यों चल रहा है, इतनी चीजें क्यों इधर उधर फैली हुई है कि आप लोग को बाहर दिल्ली नेतृत्व से सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र से राष्ट्रीय पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उनकी टीम है, जेपी नड्डा जी केवल एक जगह के अध्यक्ष नहीं है, वो पूरे देश में जो पार्टी है और पूरे देश की जहां पर भी स्थिति है वहां पर वो मंथन करते हैं, और चुनाव आ रहा है ये ऐसा नहीं है, बंगाल में भी कई जगह पर चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें हुई, वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चीजें बदलती हैं, तरीके बदलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का स्टाइल दूसरा है, उस तरीके से काम किया जा रहा है, हमने फीडबैक अगर अपने विधायकों से लिया और कोरोना काल में क्या स्थिति बनी, या हमारे विधायक के रिपोर्ट कार्ड को अगर हम जनता के सामने रख रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, अगर हमारे बीएम संतोष जी आकर जानकारी ले रहे हैं तो अच्छी बात है, यही तो दिखाता है कि वो जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि इस बात की है ना कि जो ये दिक्कतें चल रही थी जिसके चलते उन्हें आना पड़ा, जिसके चलते विधायकों ने जो पत्र लिखकर कोरोना के समय में अधिकारियों की नहीं सुनी जा रही, उसके बाद जो योगी सरकार का हंटर चला अधिकारियों पर, वो भी आपने देखा होगा कितने IAS कितने IPS अफसरों के तबादले हुए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
जेपी नड्डा जी को लेटर नहीं लिखा गया था, मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था। और जेपी नड्डा जी बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर विरोध तो चल रहा था जिसके चलते भी असंतोष भी आना पड़ा जी। बंगाल में जब चुनाव हो रहा था उस समय जब प्रत्याशी नहीं घोषित हुए थे उससे पहले भी बीएम कैलाश विजय वर्गीय जी वहां पर लगातार थे, उन्होंने पूरे चुनाव को लड़वाया था। उसी तरीके से बीएम संतोष जी प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, वो लगातार आएंगे, वो पहली बार नहीं है, लगातार चुनाव के समय भी आते रहेंगे। ठीक है, मैं अरविंद जी के पास जाना चाहूंगी। अरविंद जी, क्या लगता है आपको जो इस वक्त सियासी खेल पूरा चल रहा है भाजपा के बीच, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े नेता हैं, तो इस वक्त उनकी नाराजगी झेलने का क्या इस वक्त झेल पाएगी भाजपा उनकी नाराजगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार उनकी नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। कीर्ति जी, देखिए कहावत है कि अगर कोई दबी बिल्ली चूहों से कान कुतरवाती है तो उसकी उदारता नहीं होती है, उसकी मजबूरी होती है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई भी बड़ा नेता छोटा नेता चाहे जितना नाराज हो, लेकिन वो उसकी नाराजगी इस कदर नहीं बढ़ जाएगी कि अपने ही पार्टी को लहूलुहान करे। हाँ, पार्टी के लोगों से नाराजगी हो सकती है लेकिन पार्टी से नहीं, क्योंकि पार्टी जो राजनीतिक तौर पे कार्यक्रम करती है, विचारधारा से आगे बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ उसी तरह की पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य की आज नाराजगी हो सकती है लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ा पद मिल जाए या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, इस बात से वो इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो अपनी नाराजगी जता करके पार्टी हित में ही बात कहेंगे, जैसा कि देखा भी जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी के बीच उथल पुथल चल रही है। देखिए, कोरोना के दूसरे लहर में जिस तरह पार्टी सत्ता और सरकार की जो बेइज्जती एक किस्म से हुई है, और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो कार्यकर्ता है उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, परिजनों को आश्वासन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हुए नुकसान की भरपाई, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे बीएल संतोष जी आए हो, राधा मोहन जी आए हो, या जो है जमीन पर पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के में मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा के कान खड़े हो गए, वो उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है। और कीर्ति, जो किसी भी कीमत पर पार्टी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता उसके हाथ से जाए, यही वजह है कि आपने देखा कि किस तरह जो है वहां पे अमित शाह जो है अनुप्रिया पटेल से मिलते हैं, फिर निषाद पार्टी के नेता से मिलते हैं, छोटी छोटी पार्टियों पर भी लाशेबाजी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के नाराजगी के बीच, देखिए नाराजगी करने से क्या होता है कि जो काडर के लोग हैं वह समझ जाते हैं कि हमारा नेता नाराजगी किया है, लेकिन अपनी जो है बात रखने के साथ ही यह भी एक किस्म से संदेश देता है कि चलिए मैंने नाराजगी जता दी है, लेकिन यह नाराजगी की भी एक जो है त्रिज्या होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए, परिधि होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस नाराजगी का जो है जो उसके कार्डर बेसोट है उस पर कोई असर पड़ेगा। कीर्ति जी, दूसरा मैं सबसे अरविंद जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, दूसरी बड़ी बात, जो अखिलेश यादव पंचायत चुनाव का जीतने का डंका पीट रहे हैं और साथ ही साथ गदगद भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव का मुझे नहीं लगता है कि सीधा कोई विधानसभा चुनाव पर असर पड़ता है। आपको याद होगा कि 2017 से पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें अखिलेश यादव की पार्टी जो है करीब 80% सीटें जीते थी, लेकिन विधानसभा में 47% सिमट करके रह गई। तो मुझे लगता है कि उसका गदगद होना कोई बहुत वो राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए या दबाव बनाने के लिए एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन उसका कोई प्रत्यक्ष जो है लाभ मिलेगा, मुझे इसमें आशंका है। देखिए, लाभ तभी मिलता है जब जो है जनाधार विस्तार उसका होता है और जो समाज के अन्य वर्ग हैं उनको जोड़ने की पहल होती है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, जो पिछड़े वोट बैंक है उसमें समाजवादी पार्टी अभी तक कितना घुसपैठ की है, उपचुनाव में उसका वोट शेयर बढ़ के 24% हुआ है और जो विधानसभा में हुआ जो है 22.2% लगभग पाई थी, यानी केवल 2% का इजाफा हुआ है। उसे सरकार बनाने के लिए कम से कम जो है 32% वोट चाहिए। भाजपा के पास इस समय 36% वोट है, उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना जो 12% का गैप है उसे पाटना सबसे बड़ी चुनौती होती है। पाटा जा सकता है अगर जमीन पर नाराजगी हो, अगर सोशल इंजीनियरिंग का जो है अगर हिसाब अपने हिसाब से बन जाए, लेकिन क्या सोचना होगा कि आज की तारीख में सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव की कारगर होती दिख रही है? क्या जो पिछड़े वोट बैंक है उसमें सेधमारी कर पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कीर्ति जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है क्योंकि छोटे दलों की बात भी लगातार अखिलेश यादव के मुंह से सुनने को मिल रही है और साफ ही तौर पर वो ये कह रहे हैं कि इस बार बड़े दल के साथ वो नहीं जाएंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। विवेक जी, दलित वंचितों की बात करते हैं आप, अब दूसरों की पार्टी से आपको जरूरत पड़ रही है लोगों को लाने की, क्या मजबूती नहीं है आपकी पार्टी में इतनी है? मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक जी के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को अभिनंदन के साथ स्वीकार करते हुए आश्वासन देता हूं कि आपने
बिना कहे बहुत कुछ जो कहा है उन मुद्दों पर गंभीरता से विषय करते हुए समायोजित करते हुए इन मुद्दों को मैं एक पत्र जरूर प्रेषित करूंगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को। दूसरी बात कीर्ति जी देखिए, मैं आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, आज अगर ये 11 विधायक या 10 या 11 विधायक जो भी हैं, 11 हैं तो जिसमें कि निलंबित और बर्खास्त, मुझे बस इतना बताइए आज अगर ये भाजपा में जा रहे होते तो आपका वक्तव्य क्या होता? भाई हम तो केवल और केवल हमने किसी को मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय पटल पे जा करके ये बात रख दी है कि हमारे साथ कोई अगर समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करते हुए प्रदेश की विकास की राजनीति में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और ये एक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा, और ये परंपरा भी तो भाजपा और कांग्रेस की देन है। भाई विधायकों की तोड़ जोड़ खरीद फरोख्त ये आप पहली बार, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार कोई परंपरा शुरू की जिसके कारण की उथल पुथल मचा हुआ है। आप थोड़ी कह रहे हैं नहीं 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 25-25 करोड़ तो आप जयपुर राजस्थान के विधायकों ने आरोप लगा दिया। आप बता दीजिए कितने में खरीदा है? आप तो सौदेबाजी वाली पार्टी है ही, आप पार्टी है भी कहा, आप तो ट्रस्ट है क्योंकि उस पर एक का अधिकार है। आपके यहाँ पर एक आप क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार का ही बनेगा? आप नहीं बन सकते, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी में नहीं बन सकते। आप सिर्फ झंडा हिला सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पर चिल्ला सकते हैं, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप ब्राह्मणों के सबसे बड़े देश दो ही है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी निष्ठे आ रही है अभी परसों ही आपने कुमार प्रमुखों की निष्ठे जारी की है, 8 में से 5 यादव है लेकिन ब्राह्मण एक नहीं है। आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, माफ कीजिएगा एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं व्यक्तिगत 10 बातें इस पटल पे रखने के लिए आगे आप रखिए विवेक जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप रखिए, अमित जी मैं आपसे कह रहा हूँ आप रखिए। आप मुझे ब्राह्मणों का ठेकेदार बनके ये मत बताइए। नहीं तो आप ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं, आप ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं, समाजवादी ठेकेदार हैं। आपसे ज्यादा आपने जितना शोषण किया ब्राह्मणों का उतना किसी ने नहीं किया है। आगे आप मत मांगिए विवेक जी, आप जितनी मर्यादा को मांगते हैं उससे ज्यादा मांगनी पड़ेगी, आपकी दिक्कत है ये। अरे हत्यारे ना बताए कैसे हत्या होती है, आपसे बड़ा हत्यारा है कोई? आपने तो कार सेवकों के ऊपर हत्या करवाई, उनके ऊपर चौकियां चलवाई, आपसे बड़ा हत्यारा है कोई? नहीं नहीं आप ही मत समझाइए, समाजवादी पार्टी ठेकेदार नहीं है ब्राह्मणों की। सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया ब्राह्मणों का तो समाजवादी पार्टी ने किया। किस तरह की डिबेट चल रही है ये? राजनीतिक मुद्दे बात करें कि मछली मार्केट बना ली है? अगर डिबेट अपनी मर्यादा लांगेगी तो मर्यादा तो मर्यादा आप लोग के हाथ में है। जाएगी अगर आप मांगेंगे तो मांगी जाएगी। विवेक जी टिप्पणी स्पष्ट है, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, इन्होंने देशद्रोही कैसे कर, आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से समाजवादी पार्टी को कहा, प्लीज मैं लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, देशद्रोही है वो जिस तरीके से आपने आज ही आपको बताऊं, अखिलेश यादव के साथ इमाम जिनका एक वीडियो वायरल हुआ जिन्होंने देश में आग लगाने का काम किया है उस पर टिप्पणी नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकलती आप लोगों की। गद्दारों के साथ खड़े होने वाले आतंकियों के साथ खड़े होने लोग आप लोग, मुझे आप लोग की कोई बात सुननी नहीं। अरविंद जी मुझे आपसे बात करनी है, अरविंद जी से मैं सवाल कर रही हूँ। अरविंद जी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से लगातार अगर हम जो देख रहे हैं अति पिछड़ा का एक बड़ा चंक जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी की ओर आकर्षित हो रहा है, इसके पीछे के राजनीतिक मायने आप क्या देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी वक्त है कीर्ति जी, 7-8 महीने का समय है, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल जो है चुनावी चौसर पर अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दिए हैं, और जो है जातियां किस तरफ राजनीतिक यात्रा करती हैं अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह भी समझना होगा कि जो देश की जनता है उसमें जागरूकता बढ़ी है, और केवल जातियों के नेताओं के आधार पर जो है उनकी गोलबंदी करना मुझे नहीं लगता कि अब आसान रह गया है। आपने देखा कि 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से समझौता किया था, उस कल्याण सिंह से जिनको बाबरी मस्जिद के शहादत का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी मानती थी, और उसका हश्र क्या हुआ? 10 जुलाई या 15 जुलाई 2010 को मुलायम सिंह पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से माफी मांगे। तो मेरा मानना है कि केवल जातियों की लाशेबाजी से बिना कार्यक्रम के, बिना दलीय नीति के, बिना जो है कोई कार्य को अंजाम दिए अगर आप चाहेंगे कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे समझ से अब मुमकिन नहीं रह गया है। हर व्यक्ति जो है सतर्क है और वह जानता है कि मेरे वोट का जो अधिकार है
उसे किस तरह के सत्ता का निर्माण होता है और किस तरह राष्ट्र हित में होना चाहिए, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। आपने देखा कि जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिली तो क्या कहा जा रहा था कि लगभग 60% जो है 70% सीटें जीत जाएंगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? यानी दो बड़े जो कि 1993 में इन्हीं दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था, तो 177 विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता था और उसमें 67 बसपा जीती थी और बाकी 110 जो है समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन वह प्रयोग जो है 2019 में नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता है कि केवल जातियों के गोलबंदी से चुनाव जीता जा सकता है। कीर्ति जी, जी बिल्कुल अरविंद जी, कहीं ना कहीं और ज्यादा जो बात लगातार ये उजागर भी हो रही, कहीं ना कहीं बीएसपी के जो इतने मेंबर्स टूट रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता उनके अंदर बनी हुई है। विवेक जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, अन्य दलों के विधायकों से भी क्या आपकी इस वक्त चर्चा हो रही है, क्या उनके भी संपर्क में है या सिर्फ बसपा के ही विधायकों पर सेंध लगेगी? कीर्ति जी, हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात स्पष्ट कर दी है कि हम केवल और केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। अगर समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ करके कोई प्रदेश के विकास के गति में अपना सहयोग देना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है अमित जी, आपको क्या लगता है कि 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरह से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है उसको अब खत्म करनी पड़ेगी। आप हालांकि माने ना माने अंतर्विरोध चल रहा है नहीं चल रहा है ये स्पष्ट तौर पर हर किसी को दिख रहा है, तो इसको खत्म करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के किसी से लड़ने से बजाय आप अपने खेमे में जो लड़ाई चल रही है इस वक्त, जो आग लगी उसको बुझाइए। देखिए कीर्ति जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2022 की आप बात करें, मैंने आपसे पहले स्पष्ट कर दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे, और जो 2017 में हमने वादे किए थे, हमने इन 5 सालों में क्या किया, वो विकास के वादे लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जहां तक की बात है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या बसपा की, देखिए मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के से लड़ने के लिए ये एक भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका आंतरिक मामला है, ये चाहे किसी के विधायक भी तोड़ते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये लोग हमेशा बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हमसे संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं तोड़ पाए इतने समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिकता नहीं है, वो टिकता है, और वही उसने 5 सालों में करके दिखाया है। और हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे पर योगी आदित्यनाथ जी के उस फेस पे हम लोग जाएंगे चुनाव में, और 2022 में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। ठीक है अरविंद जी, आखिरी क्वेश्चन आप ही से मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और मैं राजनीतिक समीकरण एक जानने की कोशिश करूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प हो जाती है। अभी जिससे हाथ ना मिलाने की बात होती है, अगर चुनाव खत्म होने के बाद अगर जरूरत पड़े तो ये दल आपस में मिलने में भी देरी नहीं करेंगे, लेकिन जो बसपा के खेमे में इतनी बड़ी सेंध लग रही हो, कहीं ना कहीं जो एक के बाद एक वो खुद ही निष्कासित कर रहे हैं, तो बसपा की आप क्या इस वक्त मौजूदगी उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस की मौजूदगी, क्योंकि अजय कुमार लल्लू ने साफ दिया है कि वो सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उन्होंने साफ ये बयान दे दिया है। कीर्ति जी देखिए, जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है, बिल्कुल आपने सही कहा, चुनाव बाद जो है सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल आपस में हाथ मिला सकते हैं। आपने देखा कि भाजपा और बसपा दो तीन तीन बार हाथ मिला चुके हैं, सपा बसपा भी मिला चुके हैं, कांग्रेस के साथ सपा जा चुकी है, तो कुल मिलाकर के जो है चुनाव बाद जो परिस्थितियां होगी वो कहीं ना कहीं जो है उसमें किसी तरह का कोई दलीय भेदभाव नहीं रहेगा, सत्ता के लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस की जहां तक सवाल है तो उसका जो वोट शेयर इतना कम है, उसका संगठन पूरी तरह से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, 6.7% के आसपास जो है उसका जो है वोट शेयर है। बसपा के लिए जरूर चिंता का विषय है, लेकिन देखिए कुल मिलाकर के बुरी परिस्थितियों में बसपा जो है कमाल करने में कामयाब रहती है। आपने देखा कि 2019 में 10 सीटें लोकसभा का झटक ली और 3 मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उनको जिताने में भी सफल रही, चाहे सहारनपुर का रहा हो, गाजीपुर का रहा हो, अमरोहा का हो। समाजवादी पार्टी जो बड़े पैमाने पर माना जा रहा था कि जो है बहुत कुछ कर ले जाएगी, वह भी केवल 3 उम्मीदवार को जिताने में रही, आपका रामपुर का, मुरादाबाद का और संभल का। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम मतों का बंटवारा भी इन्हीं दोनों दलों के बीच में होना है, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाजपा के खिलाफ असली जो मजबूत उम्मीदवार हैं या राजनीतिक दल है हम ही है। तो कुल मिलाकर के अभी जो है परसेप्शन की लड़ाई चल रही है, 1-2 महीना बचेगा तो वास्तविक जो है जमीन पर जो समीकरण बनते दिखेंगे वह देखने लायक होगा। कृति बिल्कुल, कांग्रेस में परसेप्शन की लड़ाई कहीं ना कहीं अभी भी होती है, अभी भी साथ कांग्रेस ने पूरा एक लगातार एक बार बार सरकार अपनी इस बार चुनाव पार्टी तमाम पार्टियां आ गई हैं, तो सारे ही बोल का वो भी अलग खेल है, वो भी लगातार 2022 में सत्ता में विराजमान कौन होता है भविष्य के घर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है और इसमें कौन से नए मोड किस वक्त आ जाए ये पता।
प्राइम टीवी की आप